नमस्कार, मैं कामना। इस वीडियो में बताऊंगी भारत के रहस्यमय स्ट्रक्चर, मंदिर, मोनूमेंट्स के बारे में। उड़ीसा, पुरी, जिसे पुरी के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, ये भव्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया ये मंदिर भारत की मध्यकालीन वस्तुकला का अनोखा उदाहरण है। सूर्य मंदिर जाना जाता है यहाँ के सभी पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी के लिए। इस सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हा देव 13वीं शताब्दी में करवाया था। ये मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए और रथ की खींचने के लिए उसमें 7 घोड़े जूते हैं। सूर्य देवता के रथ के आकार में बने कोण के इस मंदिर में भी पत्थर के पहिए और घोड़े हैं, साथ ही इन पर उत्तम नक्काशी की गई है। ऐसा शानदार मंदिर विश्व में शायद ही कहीं हो, इसीलिए इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ की सूर्य प्रतिमा दुनिया पूरी जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखी गई थी और अब यहाँ कोई भी देवता की मूर्ति नहीं है। सूर्य मंदिर समय की गति को भी दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता नियंत्रण करते हैं। पूर्व दिशा की ओर जूते हुए मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं। वहीं इनमें से लगे 8 ताड़ियां दिन के 8 पहर के प्रतीक स्वरूप हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीने को दर्शाते हैं। पूरे मंदिर में पत्थर पर कई विशेष और दृश्य पर मूर्तियां बनाई गई हैं, जो अपने काम कला के लिए काम कला दर्शाती हैं, जो अपने आप में एक आकर्षक है और लोगों को अपने ओर खींचती हैं और ये दर्शाती हैं कि उस जमाने में, उस समय किस तरह से इन मूर्तियों को गढ़ा गया होगा, इनकी नक्काशी की गई है। माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सैन्य बल की सफलता का जश्न मनाने के लिए राजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के टावर में स्थित 2 शक्तिशाली चुंबक मंदिर के प्रभावशाली भाव मंडल को की शक्ति पूज है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने लूटपाट मचा दी थी, तब सूर्य मंदिर के पुजारियों ने यहाँ स्थापित सूर्य देवता की मूर्ति को पूरी ले जा करके सुरक्षित रख दिया था, लेकिन पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होने लगी और ये पूरी तरह रेत से ढक गया था। 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए रेस्टोरेशन में सूर्य मंदिर खोजा गया। पुराने समय में समुद्र तट से गुजरने वाले यूरोपियन नाविक मंदिर के टावर की सहायता से नेविगेशन करते थे, लेकिन ये चट्टानों से टकराकर कई जहाज नष्ट होने लगे और इसीलिए इन नाविकों ने सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा नाम दे दिया। जहाजों की इन दुर्घटनाओं का कारण भी मंदिर के शक्तिशाली चुम्बकों को ही माना जाता है।